इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कि मेथड्स क्या होते हैं जावा में मेथड्स को हम फंक्शंस भी कहते हैं दे आर आल्सो कॉल्ड एज फंक्शंस और उनकी ज़रूरत क्या है प्रोग्रामिंग के अंदर प्रोग्रामिंग प्रोग्राम्स क्या होते हैं दैट इज़ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस इंस्ट्रक्शंस दैट डू सम टास्क कोई भी काम हमें करके देते हैं तो मेथड भी क्या है इट इज़ ऑल्सो अ ब्लॉक ऑफ ऑर्गेनाइज और री कोड रीयूजेबल कोड है मीन्स बार बार यूज कर सकते हैं ऑर्गेनाइज वे में होगा और एक ब्लॉक है दैट परफॉर्म्स अ सर्टेन टास्क वो आपको कुछ काम करके देगा दैट इज अ मैथड और फंक्शन इन जावा अ मेथड इज अ नेम्ड पीस ऑफ कोड नेम्ड पीस ऑफ कोड मीन्स कोई अगर आप मैथड बना रहे हैं प्रोग्रामर या यूजर जो भी बनाएगा वो उसका नाम देगा हर मैथड का एक नाम होता है तो इट इज़ अ नेम्ड पीस ऑफ कोड विद इन अ प्रोग्राम एंड एग्जीक्यूट्स वेन इट इज़ कॉल्ड फ्रॉम अनदर सेक्शन ऑफ कोड जो मेथड होता है वो क्लास के अंदर ही होता है इट एग्जिस्ट विद इन अ क्लास ये उसका एक जनरल तरीका है लिखने का कि किस तरीके से हम मेथड को लिखते हैं पब्लिक क्लास नेम क्लास का कोई नाम देंगे आप और क्लास के अंदर

किसी भी क्लास से इस मेथड को कॉल किया जा सकता है इस कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझने के लिए मैं एक एग्जाम्पल ले रही हूँ सपोज आप पर्टिकुलर क्लास को बिलोंग करते हैं आप एक स्टूडेंट हैं और आप स्टूडेंट हैं क्लास टेंथ के ठीक है जो ये प्रोग्राम है ये प्रोग्राम का करली ब्रैकेट स्टार्ट एंड दिस ब्रैकेट क्लोज तो ये जो प्रोग्राम है ये मान लीजिए पूरा का पूरा एक स्कूल है और इस स्कूल के अंदर कई सारी क्लासेस होंगी क्लास सिक्स सेवन एट नाइन टेंथ एटसेट्रा तो बहुत सारी क्लासेस हो, हो सकती हैं एक प्रोग्राम के अंदर आप एक स्टूडेंट हैं और आपका नाम है ऋषभ तो ऋषभ नाम का जो स्टूडेंट है वो इस क्लास को बिलोंग करता है क्लास टेन को और आपको कोई टास्क दिया गया है टीचर ने जो आपकी क्लास टीचर है उन्होंने आपको एक टास्क आपका प्री डिफाइंड है कि आप ये काम करते हैं पर्टिकुलरली तो आपको कोई भी कॉल कर सकता है क्लास नाइन की टीचर ने आपको कॉल करा क्लास ट्वेल्व की टीचर ने आपको कॉल करा तो दिस इज अनदर सेक्शन ऑफ कोड आपको कहीं और से कॉल किया जा रहा है और आपको जब कॉल किया जा रहा है तो आपका जो काम है आपको जो बताया गया है वो काम आप उस टीचर को करके देंगे तो इसी तरीके से जावा के अंदर कई सारी क्लास एक प्रोग्राम के अंदर कई सारी क्लासेस हो सकती हैं। एक क्लास के अंदर कई सारे फंक्शन हो सकते हैं कई सारे मेथड्स यहां पर मैंने एक मेथड लिखा है कई सारे मेथड्स हो सकते हैं और वो मेथड अपना अपना कोई पर्टिकुलर टास्क करेंगे उन मेथड्स को दूसरी क्लास से या कहीं से भी जब भी ज़रूरत पड़ेगी वहां से उनको कॉल किया जा सकता है और कॉल करने के बाद वो मेथड वो पर्टिकुलर काम करके देगा सो दिस इज अ बेसिक कॉन्सेप्ट अब मेथड को लिखने का एक प्रोटोटाइप होता है एक तरीका है सिंटेक्स से लिखने का वो अभी मैं आगे डिस्कस करूंगी अब हम बात करते हैं कि मेथड्स की ज़रूरत क्या है तो ये तीन रीजन्स हैं जिसकी वजह से हम मेथड्स या फंक्शंस को यूज़ करते हैं किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में सबसे पहला है री द कोड नेक्स्ट एब्स्ट्रैक्शन एंड थर्ड इज मॉड्यूलैरिटी ये मेन रीजन्स हैं वाई वी नीड फंक्शंस फर्स्ट इज रीयूजिंग द कोड कोड को जब हमें बार बार यूज uh, कर सकते हैं एक बार मैंने मेथड को डिफाइन कर दिया अब ये मेथड जहाँ पर भी मुझे ज़रूरत है वहाँ पर मैं इसको बार बार कॉल कर सकती हूँ और कॉल करूंगी तो वो अपना पर्टिकुलर जो भी इसके अंदर स्टेटमेंट्स हैं उन्हें एग्जीक्यूट करेगा और अपना काम करके देगा स्टूडेंट्स यहाँ पर ये कन्फ्यूज़ होते हैं क्योंकि जनरली जब आप प्रोग्राम बनाते हैं तो वो छोटे छोटे प्रोग्राम्स बनाते हैं दस लाइन बीस लाइन पचास लाइन सौ लाइन का प्रोग्राम होगा तो उसमें आपको ज़रूरत महसूस नहीं होती है Uh, आप नहीं समझ पाते हैं कि हम ये मेथड बना ही क्यों रहे हैं इस मेथड के बिना भी तो ये काम हो सकता है क्योंकि आप मेथड डेफिनेशन हटा दीजिए जो यहां पर ये स्टेटमेंट्स है ये डायरेक्टली क्लास के अंदर हम लिखें विदाउट द मेथड डेफिनेशन और हमारा काम तो तब भी होगा बट प्रॉब्लम तब आती है जब बड़े बड़े सॉफ्टवेयर्स बनते हैं एक्चुअल में जो रियल सॉफ्टवेयर्स बनते हैं प्रोग्रामिंग के अंदर वो बहुत बड़े होते हैं हजार दो हजार दो लाख स्टेटमेंट्स के प्रोग्राम्स है तो दो लाख जो स्टेटमेंट्स हैं उसके अंदर मैं किसी काम को अगर मुझे बार बार करवाना है तो मैं बार बार उसकी कोडिंग नहीं करूँगी ठीक है तब मेरा मेथड जो है वो उस कोड को मैं रियूज़ करूंगी हेयर वाई वी नीड द मेथड्स फॉर एग्जाम्पल ये मेरा एक प्रोग्राम है ये मैं बहुत बड़ा सॉफ्टवेयर बना रही हूं और ये काफ़ी बड़ा सॉफ्टवेयर है सपोज इस प्रोग्राम के अंदर मुझे एडिशन करना है ठीक हंड्रेड डिजिट्स को एड करना है और जो इसके अंदर स्टेटमेंट्स हैं, वो हंड्रेड स्टेटमेंट्स हैं, या पचास स्टेटमेंट मान लीजिए हंड्रेड स्टेटमेंट्स हैं, अब मुझे एडिशन करनी है कुछ मेथड बना लिया और उस मेथड का नाम है एड अब आगे मैंने कुछ कोडिंग करी फिर से मुझे ऐड करनी है हंड्रेड डिजिट्स तो वो मैं हंड्रेड स्टेटमेंट्स दोबारा तो नहीं लिखूंगी इट्स बेटर कि मैंने एक बार जो ये मेथड बना लिया इसको यहाँ पर कॉल कर लू किसी क्लास के अंदर फिर एक और कोई क्लास आई क्लास थर्ड आई अब इसमें यहाँ पर मुझे फिर से एड करना है हंड्रेड नंबर्स को तो हंड्रेड नंबर्स को एड करने के लिए मुझे फिर से कुछ वेरिएबल्स डिक्लेयर करूं और फिर से वो पूरी हंड्रेड स्टेटमेंट्स की कोडिंग करूं इट्स बेटर कि मुझे सिर्फ एक लाइन लिखनी है एड फंक्शन को कॉल करा सेमिकोलन वो कंपाइलर uh, ऑटोमेटिकली ये वाली कोडिंग उठाएगा और यहां सब्सिट्यूट कर देगा तो जब बड़े सॉफ्टवेयर्स बनते हैं तो वहां पर जब मुझे बार बार कोई काम करवाना है यहां पर मुझे बार बार ऐड करना है एक यहां पर करना है फिर दूसरी बार यहां करना है तीसरी बार यहां करना है हर तो बार मैं हंड्रेड 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 स्टेटमेंट्स लिखने की बजाय मैं एक बार एक मेथड बना दिया और अब जब भी मुझे जरूरत है मैं उसको कॉल कर लूंगी सो दिस इज रीयूजिलिटी मीन अब सेकेंड रीजन है एब्स्ट्रैक्शन एब्स्ट्रैक्शन का मतलब क्या होता है टू हाइड द इंप्लीमेंटेशन डिटेल्स किस तरीके से मैं पर्टिकुलर कोड को इम्प्लीमेंट कर रही हूँ उसकी बैकग्राउंड वर्किंग क्या है ये ज़रूरी नहीं है सबको दिखाई जाए या सबको बताई जाए मैं सपोज ये एग्जाम्पल लिया क्लास टेन का स्टूडेंट था ऋषभ तो ये क्लास टेन का ये क्लास टेन है ये क्लास इलेवन है और ये क्लास ट्वेल्व है अब किसी क्लास को या किसी टीचर को ऋषभ को बुलाना है तो वो सीधे क्लास टेन में मैसेज भेज देगी या कॉल करेगी ऋषभ को वो अपनी जगह से ही सिर्फ ऋषभ को कॉल करेंगी ऋषभ इधर आएगा और जो उनको काम करके दे देगा उनको अंदर मतलब नहीं है कि क्लास टेन के अंदर क्या अंदर कितने बच्चे हैं क्या कर रहे हैं किसको को क्या क्या काम डिस्ट्रीब्यूट किया गया है किसने डिस्ट्रीब्यूट करा है और ऋषभ किस तरीके से अपना काम कर रहा है तो अंदर उनको जाने की ज़रूरत नहीं है उनको अंदर इंप्लीमेंटेशन डिटेल्स uh, या इंटरनल क्लास uh, के अंदर क्या हो रहा है देर इज नो नीड टू सी दैट उन्हें सिर्फ ऋषभ से काम है ऋषभ को कॉल करेंगी वो उसका उनका काम करके देगा दैट सेट तो इसी तरीके से प्रोग्राम में अनदर एग्जाम्पल कि आपको फैन का स्विच ऑन करते हैं तो आपको किससे मतलब है आपने सिर्फ स्विच को ऑन करा और कैन ऑन हो गया ठीक है आपको अंदर इंटरनल वर्किंग से मतलब नहीं है कि किस तरीके से वायर्स कनेक्टेड हैं एक दूसरे से किस तरीके से वायरिंग चल रही है तो अंदर जो इम्प्लीमेंटेशन डिटेल्स हैं यूजर को उससे मतलब नहीं होना चाहिए वो हिडन होनी चाहिए फ्रॉम द यूजर सो दैट इज एब्स्ट्रैक्शन थर्ड आता है मॉड्यूलैरिटी मॉड्यूलैरिटी का मतलब होता है कि किसी भी प्रोग्राम को छोटे छोटे पार्ट्स में ब्रेक कर देना ठीक है टू ब्रेक डाउन और डीकम्पोज द प्रॉब्लम इन टू स्मॉलर पार्ट्स सब पार्ट्स में कोई एक बड़ी बड़े प्रोग्राम को स्मॉलर सब पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं मेथड्स का काम यही है कि मेरे को एडिशन करवाना है तो एक एड नाम का फंक्शन बना दिया सब करवाना है तो एक सब नाम का मेथड बना दिया देन uh, डिवाइड करना है तो डिवाइड नाम का एक मेथड बना दिया सबको काम जो है डिवाइड कर दिया किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व या काम को करने के लिए हमेशा उसको छोटे छोटे सब पार्ट्स में डिवाइड करके काम करना चाहिए इससे क्या होता है कि जो प्रॉब्लम है वो मैनेजेबल हो जाती है जो कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम है वो सिंपल हो जाती है मैनेजेबल एंड अंडरस्टैंडेबल सब पार्ट्स फॉर एग्जाम्पल कि आपके स्कूल में कोई ईवेंट uh, है सपोज एनुअल इवेंट चल रहा है और स्पोर्ट्स इवेंट है स्पोर्ट्स की एक्टिविटीज़ हो रही हैं इंटर स्कूल कॉम्पिटिशन्स हो रहे हैं तो एक ही टीचर तो सारे एक्टिविटीज को सारे स्पोर्ट्स को नहीं देख सकता वो बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा एक ही बंदे के ऊपर हम सारा लोड नहीं डालेंगे क्या होता है कि जनरली डिवाइडेड होता है गेम्स भी आपके इंडोर गेम्स होंगे कुछ आउटडोर गेम्स होंगे तो एक टीचर को इंडोर गेम्स की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी दूसरे टीचर को आउटडोर की रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी तो इसी तरीके से जो हमारा प्रोग्राम होता है उसके अंदर कई सारी क्लासेस होती हैं और एक क्लास के अंदर कई सारे मेथड्स होते हैं और हर मेथड अलग अलग काम करके आपको देता है जब जिस मेथड की जरूरत पड़ी उसको कॉल कर लिया तो ये हमारे कुछ मेन रीजंस थे जिसकी वजह से हम मेथड्स को या फंक्शंस को प्रोग्रामिंग के अंदर या प्रोग्राम के अंदर यूज करते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में मैं डिस्कस करूँगी मेथड का प्रोटोटाइप सिंडेक्स किस तरीके से लिखा जाता है आइडेंटिफायर्स और कोडिंग किस तरीके से करते हैं वो आगे की वीडियो में मैं डिस्कस करूंगी